stay with GD season 2 brought to you by unified brain in association with passion vista your very own luxury lifestyle and business magazine आज हमारे सेट पे आने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने डांसर और कोरियोग्राफर द मैन बिहाइंड सलमान खान हुक स्टेप इन मुन्नी बदनाम हुई कैरेक्टर ढीला एंड सी मार हमारी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के जज जिनकी फैन फॉलोइंग कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं लेट्स वेलकम माई डियर फ्रेंड मुदस्सर खान

ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है ये अभी रास्ता है मंजिल अभी मिली नहीं है क्या बात है तो वो एक है कि हर कोई पूछता है यहां तक कैसे पहुंचे यहां तक कैसे पहुंचे मैं पहुंचा नहीं हूँ अभी तक चल ही रहा हूँ मैं हाँ अभी चल ही रहा हूँ अभी भी मैं और बहुत लंबा सफर है जो मुझे अभी तय करना है तो फ्रॉम डांसर टू कोरियोग्राफर टू यू साइड डायरेक्टर डायरेक्टर सॉन्ग डायरेक्टर सी जनरली एक मैं डांसर कभी था ही नहीं एक डांसर ने डांस किया वो जिंदगी भर डांसर ही रहेगा और वो डांसर से कोरियोग्राफर भी हो गया तो भी वो डांसर है क्योंकि वो डांस कर सकता है तो मैंने कभी ऐसे नहीं है कि मैंने अर्लियर आई हड विजन दैट आई विल यू नो परफॉर्म फॉर सम म्यूजिक वीडियो और मे बी सम सॉन्ग और मैं कोई एक्टर्स के पीछे डांस करूंगा ये एक बचपन में एक वो मेरे दोस्त सारे हाँ मेरे सारे दोस्त करते थे तो मुझे भी था कि मैं भी करूंगा और डांस करूंगा लेकिन उसके लिए कार्ड बनाना पड़ता है यूनियन का अब उस वो उस वक्त वो थर्टी फाइव थाउजेंड का कुछ कार्ड होता था तो मैंने सोचा कि चलो कार्ड वार्ड बनाया जाए कहीं से जुगाड़ कर तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी एक काम है कहीं ऑफिस में मैं जॉब करता था तो मैंने बोला मम्मी एक काम है कि वहाँ पे जाके कार्ड बना लूँगा तो हीरो हीरोइन के पीछे डांस करूँगा तो पैसे भी मिलेंगे पर डे आराम से मिल जाएगा तो मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा एक काम कर तो सोना थोड़ा सोना है मेरा वो बेच दे तो आप घर की सिचुएशन ऐसी थी कि वही एक चीज थी हमारे पास तो पीछे से बांसुरी बजती ना जब मम्मी बोल रही है कि बेटा थोड़ा सोना दे दे <laughs> तो मैं बोला भाई रहने दे रहने दे ये नहीं होगा मुझसे <laughs> तो मैंने वो सपने को छोड़ दिया बोला नहीं भाई ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता कि जिसको बेच के या यू नो माँ का सोना बेच के तुम कार्ड बनाओ और मैंने बोला भाई करूंगा तो अपने उससे करूंगा मैं कोई माँ की ये चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा जो भी बची कुची चीजें थी मम्मी के पास सो आई थॉट लेट्स मूव अहेड लाइक दैट लेट सी वॉट यू नो योर डेस्टनी कॉल्स यू फिर धीरे धीरे आई थिंक छः साल बाद मैंने आइफा कोरियोग्राफ किया जो कि मैं बहुत पहले ये सोच रहा था कि शामक के डांसरों में मैं ज्वाइन हो जाऊँ कार्ड बना लूँ तो आइफा में परफॉर्म करने मिल जाए एटलीस्ट बिना कार्ड के मिल जाए फिर छः साल बाद मैंने आइफा कोरियोग्राफ किया वहाँ से और फिर आई स्टार्टड विथ ऑब्वियसली सलमान सर ने मुझे मौका दिया उसके पहले मैं मेरी एक डांस क्लास थी द फायर डांस अकेडमी जो अभी भी है और बच्चों की स्कूल थी बच्चों को सिखाता था सलमान सर ने वहाँ से मुझे यू you नो know, उठाया आई कैन से एंड देन वहाँ से स्लोली स्लोली जर्नी चली फिर कोरियोग्राफर फिल्म के गाने करने लगे फिर फिल्म के गाने करते करते जनरली क्या है कि सॉन्ग डायरेक्टर जो है वो फिल्म का कोरियोग्राफर ही सॉन्ग डायरेक्टर होता है ये आज के ज़माने में है कि सॉन्ग डायरेक्टर लिखाना पड़ता है क्योंकि पहले ये होता था कि सॉन्ग डायरेक्टर कोरियोग्राफर मतलब सॉन्ग डायरेक्टर क्योंकि आप जब सेट पे गए तो डायरेक्टर साइड में बैठ जाएगा बोले मुद्दत सर सब का ही देख ले अभी तू अभी मैं जरा आता हूँ तो आपको सारी चीज़ें करनी है क्योंकि आपको फिल्म को चलानी है कहीं पर ऐसा होता है कि भाई आदमी सपना देख रहा है अब सपना देख रहा है तो फिर आप कुछ भी करो फिर तो उसमें तो फिर आपने वो बना दिया डिस्को बना दिया कुछ भी कर लिया लेकिन अगर वो होता है कि स्टोरी को आपको पकड़ के चलनी है कि लड़का जो है वो गुंडा है तो वो गुंडे की तरह ही डांस करेगा गुंडे की तरह देखेगा उसमें थोड़े बहुत स्टाइल करेगा दारू पिएगा यू नो बॉटल तोड़ेगा सर पे तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अलॉन्ग विथ डांसिंग तो वो धीरे धीरे आ गई धीरे धीरे सीखनी सीखते सीखते कि डांसिंग के साथ साथ ये भी जरूरी है फिर सॉन्ग डायरेक्टर इसलिए क्योंकि आजकल के ज़माने में म्यूज़िक वीडियो ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर सॉन्ग डायरेक्टर्स क्या करते हैं कोई एक छोटे मोटे किसी को डांसर्स कोरियोग्राफर को बुला लेते हैं वो लोग स्टेप बिठा लेते हैं ये लोग शूट कर लेते हैं बट मेरा नजरिया ऐसा नहीं है बिकॉज आई रियली वॉन्ट माई कोरियोग्राफी टू जेल विद दैट डायरेक्शन सो दैट्स वाई वो मैंने शुरुआत में मैंने एक दो किया ऐसे बाद में मैंने बंद कर दिया मतलब भाई मैं खुद ही सॉन्ग डायरेक्शन करूँगा

Easy बात है कि आपके हिसाब से यू uh, नो you know, आपके लिए ये जर्नी इजी रही कि थोड़ा कुछ टफ था क्या बात कर रहे हो आप जर्नी रही रही बिल्कुल भी नहीं रही। बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अभी भी बहुत ज्यादा टफ मतलब इट्स रियली टफ एंड रियली रियली एवरी इट्स समथिंग कम्स समथिंग कम्स एंड स्टॉप्स यू के आर यार। नहीं डे देयर you know? so अगर आप कहीं से आए होते हो जहाँ से कोई था नहीं और वहाँ से आप आए होते हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ से आप आए हो और फिर उस जर्नी से आप आते हो तो आपके लिए हर चीज़ एक मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि कोई आधे लोग चाहते नहीं कि आप बढ़ो करेक्ट और आधे लोग चाहते हैं कि बढ़ो आप लेकिन अभी नहीं बाद में तो वो आपको मुश्किलें देती हैं और तो बस यही है ज़िंदगी चाहती है कि आप एग्ज़ाम दो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने लाइफ में सब अच्छा चले इजी चले तो फिर आप जीत नहीं पाओगे फिर आप उधर इजी ही तो, तो लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं होता उधर सर बट मैं ये कहूंगा कि उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है आपने आपने ये सब अपने टैलेंट के बूते पे हासिल किया तो ये जो टैलेंट है ये इनबॉर्न था या आपको कोई गाइड करने वाला मार्गदर्शन देने वाला मिला गॉड नहीं देखिये सबसे पहले कि पैदा होते ही कोई इंसान टैलेंट लेके आता नहीं है वो ऐसे हाथ टेढ़े करके आता है <laughs> समझे आप चलने तो आता नहीं इंसान को टैलेंट क्या लेके आएगा इंसान जिंदगी में हर चीज़ वो बोलते हैं कि हम म्यूजिकल घराना है और वो घराना है और वो घराना है तो वो ठीक है वो एक आपके माँ बाप अगर म्यूजिकली थोड़े से रहते हैं तो आपके अंदर भी वो थोड़ी सी धुन पकड़ने की आदत रहती है थोड़े आपके घराने में कुछ डांस रहता है तो बट मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई डांसर नहीं है मतलब एक स्टेप भी मारेगा तो आप हंस दोगे मेरे खानदान में तो वो बिल्कुल भी नहीं था तो इट्स ऑल अबाउट आपको कोई चीज सीखनी है आपको कोई जज्बा है आपके अंदर तो आपको अगर वो वो बोलते हैं ना लोकल ट्रेन में आप चल रहे हो तो, वहाँ से भी कुछ सीखा जा सकता तो नहीं तो आप नहीं तो नहीं 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 वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई पूछते हैं कि भाई आप आगे कैसे आए यहाँ तक कैसे पहुंचे तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मुझे पहुँचना था मुझे उतरना था और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत कम जो लोग मजबूरी में पहुँच गए प्रेशर में मतलब हम लोग उतरे नहीं भाई हमको धक्का मार के उतारा गया है तो कहां लगा था ये धक्का ये धक्का लगते गया और अभी भी लग रहा है अच्छा क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो मेरे को पीछे वाले बोलेंगे नी, नी, नहीं 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 तू रुक सकता बेटा बेटा तो तो करना पड़ेगा तेरे को महीना खत्म हो गया ला बेटा, हाथ में दे मजा <laughs> मजा तो, तो, मजा आता 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 है 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 आपको जो भी आप करते हैं हाँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है, आसान रहता है तो मजा नहीं आता है थोड़ा मुश्किल रहता है तो मजा आता है तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको यू नो दिल के करीब हो जो आपको बहुत टफ लगा मतलब ऐसा कोई आर्टिस्ट ऐसा कोई सेलिब्रिटी जहां आप उसे स्टेप सिखाए जा रहे हैं लेकिन उसने बड़ा परेशान किया हो आपको नहीं वो मेरे लिए टफ नहीं है क्योंकि मैंने बचपन से सिर्फ सिखाया ही है मतलब यू आर गुड ट्रेनर या आई कैन ट्रेन लाइक मैं आ आराम से बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सबसे पहले इंडस्ट्री में एक आसानी क्या है कि आपको ये गाने के ये वर्ड पे ये स्टेप बिठाना है तो ये स्टेप आपका है आप कुछ भी बिठाओ पब्लिक को वो पहली बार दिखना चाहिए कि ये स्टेप पहली बार हो रहा है ये ढिंका चिका पहली बार हो रहा है ये पॉकेट वाला स्टेप तो वो कोई भी एक चीज़ जो पहली बार हो रही है वो आपको टैलेंट होना चाहिए कि आपको ये चीज निकालनी है अब जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए तो आपकी बॉडी क्या जब क्या बोलती है कि ये आपकी बॉडी पे सूट होता तो मैं वैसा बिठाऊंगा तो पब्लिक को ये लगना चाहिए कि अरे क्या डांस कर रही है यू you नो know? तो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो उस आर्टिस्ट के ऊपर वो बॉडी पे वो स्टेप मैच होना चाहिए और दूसरी चीज उस ऑडियंस को उस आर्टिस्ट का वो अंदाज भी रहना चाहिए कि मेरे बंदे का ये स्टाइल है आई यू के नॉट गिव अटाइल टू सलमान खान स्टाइल टू अभिषेक बच्चन तो अभी मैं कोई गाना करने के लिए गया था अभी मैं नया नया था तो मैंने बोल बच्चन का गाना करा था तभी मैं ऑलवेज आई टू डू इथ सलमान सर ओनली तो अचानक से मुझे वो बोल बच्चन मिली रोहित शेट्डी सर ने फोन किया कि एक गाना कर रहा है तू तो मुझे बुलाया जयपुर तो वहाँ पर वो गाना था तो सडनली आई वॉज तू मैंने रात भर अभिषेक बच्चन के गाने देखे रात भर क्योंकि मुझे था कि मेरे अंदर से वो सलमान खान नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यू नीड टू बी रियली एवरीबडी इज अ डिफरेंट करेक्ट आर्टिस्ट तो यहाँ तक कि दो तीन बार ऐसा भी हुआ कि मुझे अभिषेक बच्चन ने बोला कि ही इज़ वेरी फनी यू नो सुन आ, यार तू कर रहा है ना तो तेरे अंदर से तो सलमान खान निकल रहा है ही सेंग <laughs> तो ही सेंग मुझे तो सलमान खान के स्टेप्स तो नहीं देगा ना मैं तो कर नहीं पाऊंगा इन्हें यू नो you know? मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है I have a different uh, style. तो so, मैंने बोला नहीं नहीं सर मैं आपका पूरा रात भर आपके गाने देखा हूँ मैं तो डोंट वरी आई आई मेंटेन दैट स्टाइल यू नो सो आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में काम किया होगा जी yeah. आपकी कोई फेवरेट Uh, मेरी फे, मेरा फेवरेट uh, मैंने आई थिंक सलमान एंड शाहरुख नाइस दीज टू गाइस आर समवन हु ये नहीं कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी मतलब अगर आप कभी मुश्किल में भी आ गए तो अरे क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तेरे को okay. या सर ये थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा एक काम करो वैसा कर लेते हैं बट नेवर टॉट मी ने बट दे जस्ट लाइक कि बेटा कभी आएगा रात को तो वो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए सीख है कि आना है तुमको रात को और बहुत कुछ सीख के आना है और बहुत कुछ देख के आना है सो so ऑलमोस्ट almost... आपका कभी मौका लगा इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ में परफॉर्म करने का और अगर लगा तो वो एक्सपीरियंस वो जर्नी कैसी रही मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया यार मैंने कभी किसी आर्टिस्ट के साथ मैंने कभी पीछे आर्टिस्ट के साथ मैं सोचा कि डांस करूं जो मैंने आपको बताई कि मम्मी के साथ बोलता था कि मैं कार्ड बनाऊंगा लेकिन वो मौका मिला ही नहीं तो मैं कभी किसी के साथ डांस ही नहीं किया मैंने हर एक के सामने ही खड़ा होकर मैंने गाइड किया है तो मैं वो कभी साथ में परफॉर्म नहीं कर पाया सलमान सर ने मुझे दो तीन बार बोला कि तू मेरे बाजू में डांस कर ले तो मैंने मैंने एक शो में कुछ किया साथ में परफॉर्म तो मेरे ध्यान में ये था कि वो वहाँ से वो बराबर चल रहा है कि नहीं वो डांसर्स बराबर कर रहे हैं कि नहीं वो वहाँ से वो एंट्री बराबर हो रही कि नहीं लाइटिंग बराबर गिर रही कि नहीं तो उसके चक्कर में बहुत भूलता गया मैं तो मैंने उसको सर को बोला कि सर मैं नेक्स्ट टाइम से मैं डांस नहीं कर पाऊँ ध्यान <laughs> में नहीं रहता है मेरे <laughs> भूल जाऊँगा सब कुछ कभी ऐसा हुआ है कि आप सेट पर गए हैं कॉन्शियस हो गए हैं इतना बड़े आर्टिस्ट को या स्टार्स को देख के कि आप स्टेप्स भूल गए नहीं हो सकता है ये मैं ये नहीं हो सकता है मैं स्टेप्स कैसे भूल सकता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसी वजह से तो मैं अपने आप को बहुत मेरे अंदर एक प्राउड है कि मैं नहीं कर सकता हूँ और ये स्टेप्स की जो खूबियां हैं बिकॉज आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक रहे हैं जी. और फेमस भी हुए हैं तो ये कहाँ से निकल के आता आम मिलियनर देखिए आपने हर चीज उसकी जिंदगी की उन सवालों से जुड़ी है तो वो मेरी भी जिंदगी की हर चीज़ मेरे कोरियोग्राफी और मेरे काम से जुड़ी है इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टेप्स इट्स अबाउट एवरी थिंग वी चाहे क्रिएट भी आई डू वी आई शूट भी आई ऐसा कर क्योंकि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है शायद मुझे याद नहीं होगा मगर वो कनेक्टेड है आज के जो यंग कोरियोग्राफर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से कि ग्रोथ जर्नी जो आपकी है वो बहुत लोग उसको देख करके इंस्पायर होते हैं हमारे शो का भी नाम है बी पैशनेट बी इंस्पायर्ड तो आप बोलिए उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज जो आपके इस जर्नी से इंस्पिरेशन ले पाएं। शुरुआत में पैसे के पीछे मत भागो, मत भागो, भागो। ये ये आज की जन, आज की की जनरेशन का ये पहला तो वो। तो आप सब लोग आजकल आए और आके व्हाट इज माय व्हाट इज द कॉस्ट द बजट यू नो अभी कॉलेज से के आए एंड व्हाट इज द बजट और मैंने मतलब शुरू के कभी पूछा ही नहीं पूछा मैंने मेरी गाड़ी बेच के गाना करो कोरियोग्राफ किया है क्या बात है क्योंकि मुझे दिखाना था वहां पर वो गाना मुझे कैसे करना है तो मैं मुझे याद है मेरे पास एक आ, सेंट्रो थी तो मैंने बोला यार कैसे करूं तो मैंने वो कार बेच के और थोड़ी बहुत चीजें थी मेरे पास वो सेल करके मैंने एक गाना शूट किया लाइक अ रेफरेंस सॉन्ग बट प्रॉपरली जिमी जिप बुलाकर प्रॉपरली शूट करके एडिट करके फिर उस बंदे को दिखाया कि सर ये ऐसा दिखने वाला है अरे ये क्या किया तूने अरे सर मैंने ऐसे ही एक टाइम पास के लिए शूट किया सो आराम से एक तीन चार लाख रुपए का गाना मैंने शूट किया आपके नो? कुछ फेवरेट यू नो सॉन्ग्स जो आपके दिल के करीब हैं जो कोरियोग्राफी करके आप कभी भूल ही नहीं सकते मैं वैसे कोई भी भूल नहीं सकता हूँ कोई भी स्टेप्स लेकिन कोई भी सॉन्ग लेकिन आ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा करीब एक तो ढिंका छा है और क्योंकि वहाँ से आ, मेरा काफ़ी मेरी चीज़ यू नो जर्नी एक आगे बढ़ी पुश मिला उसको और दबंग का एक सॉन्ग था दबंग टू का पांडे जी सिटी वो सॉन्ग मेरे लिए बहुत करीबी रहेगा वो सॉन्ग बहुत करीबी रहेगा क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ उसके लिए बहुत मेहनत करी थी उसके लिए फिर उसके बाद तो मैं मुझे ये लगा पता चला कि मेहनत तो ये कुछ भी नहीं है तो आसानी थी वेन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ अदर्स तब मुझे मेहनत पता चली यू नो वैन यू वर्क विद सलमान सर यू आर रियली वेरी लकी एंड वेरी मैं तो लकी समझता हूँ क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है यू नो सम लक एंड सम किसी की दुआएं ऐसी हैं जो आपको ले जाती हैं आगे अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो इंस्पायरिंग कोरियोग्राफर्स हैं मतलब आज के डांसर्स जी उन लोगों को कोरियोग्राफर बनने के लिए क्या करना चाहिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो खूबियां हैं जो उनको अपने अंदर लेके आनी चाहिए दे नीड टू एक्चुअली थिंक मोर ऑफ मोर रादर देन जस्ट डांसिंग हमारी बॉलीवुड जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है आप फिल्म इंडस्ट्री में ट्वेंटी परसेंट ही एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं आप जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सारे के सारे अच्छा डांस कर सकते लाइक ऋतिक रोशन हर कोई ऋतिक रोशन और गोविंदा होता hmm. तब मैं आपको बोलता कि डांसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन हमारी इंडस्ट्री इज फिल्ड विथ मसाला फिल्ड विथ ग्लैमर फिल्ड विथ यू नो फन लाइफ इमोशंस क्रिएटिविटी तो खाली हाथ पैर नहीं है इसमें इसमें पूरी की पूरी सोल है तो जो भी डांसर्स हैं वो स्टेप्स के अलावा भी उनको करना है उनके आज टीवी चालू करो अब चैनल चेंज करते जाओगे ऐसे ऐसे बच्चे डांस कर रहे होंगे कि कभी सपने में भी मैंने खुद ने डांस नहीं किया होगा लेकिन वो स्टेप्स और वो कोरियोग्राफी जो है उससे आगे दुनिया शुरू होती है वहाँ से तो आज मैं जब फिल्मों की मीटिंग प्रोड्यूसर्स के साथ करने जाता हूँ तो आ, मुझे वो लोग सबसे पहला सवाल करते हैं कि सर इसको शूट कहाँ करना है तो मैं सोचता हूँ अरे मैं यहाँ सोच रहा हूँ लंडन में हम पहले बड़ी बात करते हैं कि लंडन जाने में भी मिल जाएगा अगर गाना की वो डिमांड है डिमांड तो, है तो, तो हम बोलते हैं लंडन करें दुबई करें या अरे नहीं सर थोड़ा बजट तो अच्छा ठीक है तो राजस्थान कर लेते हैं या यू नो कश्मीर कर लेते हैं फिर वो लोग बोलते हैं कि सर कैमरा तो ये ले लो वो ले लो अच्छा सर इसके साथ मैं काम में कंफर्टेबल हूँ फिर वो लोग बोलते हैं कि क्या सोच रहे हैं हीरो को क्या कैसे करेंगे ये वो ये वो उस सब होता है दे लास्ट में दे uh, सर मेरे को कोई अच्छा सा सिग्नेचर स्टेप देना तो आप समझिए इस बात को यू नो सो एवरीथिंग इज नाउ अपार्ट फ्रॉम डांसिंग देर सो मच इन कोरियोग्राफी इट्स सो मच देयर एक कोरियोग्राफी एक स्टेप है एक जान है लेकिन उस जान के अलावा उसको कितने कपड़े पहनाने होते हैं उसको रेडी करना होता है बिकॉज एवरी थिंग इज कोरियोग्राफी या कैमरा मूव कर रहा है वो भी एक कोरियोग्राफी हो रही है उसकी करेक्ट क्योंकि अच्छा फिल्मों के अंदर सॉन्ग्स uh, आप जब करते हैं वो कैसे डिफरेंट है एल्बम से बिकॉज एल्बम के अंदर कोरियोग्राफी जो है वो अलग तरीके की होती है और फिल्मों को आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है सो विच इज़ ईजियर और दोनों में डिफरेंस क्या है चुलबुल पांडे जब डांस करेगा तो वो चुलबुल पांडे की तरह ही करेगा उसमें एक परसेंट भी राधे या वांटेड या दबंग सॉरी या कोई बॉडीगार्ड या प्रेम रतन धन पायो नहीं होगा उसमें उसमें चुलबुल पांडे रहना चाहिए हंड्रेड परसेंट आप जब भी फिल्मों के डांसिंग देखिए आप आपको आपको लगेगा कि वो एक्टर उस फिल्म को लेके परफॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे कोई फिल्मों में होती है कुछ बंदे मिस्टेक कर देते हैं अचानक से फट पड़ते हैं तो वो कोरियोग्राफी और डायरेक्शन की गलती होती है लेकिन आपका ये काम है आपकी ये ड्यूटी के आप डायरेक्टर से बहस करो कि नहीं नहीं सर ये अच्छा नहीं लगेगा ये ये तो मतलब ये चुलबुल पांडे नहीं लगेगा ये तो मतलब वो लगेगा या ये वो नहीं लगेगा ये तो आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा ये स्टेप इसके कैरेक्टर के लायक नहीं है ये इसमें इस अंदाज में ही ये सूट करेगा तो वो फिल्म की डिमांड है हाँ अगर अगर वो बोलेगा कि डायरेक्टर की ये सपने में बन गया शम्मी कपूर तब आप उसको शम्मी फिर भी शम्मी कपूर ही बनाना है आपको उसको तो बेसिकली म्यूजिक वीडियो में क्या होता है कि जो बंदा है उसकी कहानी क्या है अगर वो कॉलेज का बंदा है तो वो कॉलेज के बंदे की तरह डांस करेगा कलरफुली और अगर वो एक रैंडम बंदा है तो वो रैंडम ही एक क्लब में आया है तो वो कुछ वो भी, भी करेगा उसका एक हम आप स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा कि फैंस इसको इस स्टाइल के लिए पसंद करें लेकिन फिल्मों में वो स्टाइल ऑलरेडी देर वो स्टोरी चल ही रही है तो स्टेप आया इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी चेंज हो सकती है सो दीज टू बैरिकेड्स आर देर आपके हिसाब से इफ वी गो बैक टू एंड नाइनटीज वहां पे कोरियोग्राफी बहुत ही लिमिटेड होती थी hmm. और आज का जमाना जो है एकदम डिफरेंट है hmm. तो दोनों ही पीरियड्स की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से आप आ, क्या कंपैरिजन दिखा पाएंगे या व्हाट इज योर ओपिनियन सी कंपैरिजन कुछ नहीं है आपको ये पता है कि आप आपके दोस्तों को बोलते हैं कि यार पांच साल निकल गया यार अभी अब भी पांच साल निकल गया अब भी मिला था इसको पांच साल कितने जल्दी चले गए यार हैज दैट टॉक्स नाउ अडेज अभी मैं मे, मेरे फैमिली के टाइम में मेरे फादर फोर फादर के फादर के टाइम पे ये लोग पाँच साल नहीं बोलते थे ये लोग बोलते थे कि भाई दो साल निकल गए उनके फादर बोलते थे कि छः महीने निकल गए पता भी नहीं चल सो टाइम जिस तरह से फास्ट जा रहा है हमारे माइंड में भी उसी तरह से क्योंकि हम लोग को फास्ट की आदत हो चुकी है तो उसी तरह से कोरियोग्राफी का भी डिविज़न जो है वो फास्ट हो चुका है हमको फास्ट चीज़ें पसंद है हमको पता है कि बंदा फास्ट कर सकता है तो स्लो क्यों कर रहा है या चीज़ें और एक्स्ट्रा कर सकता है हमको ज़्यादा चाहिए कम टाइम में ज़्यादा चाहिए तो हालांकि चीज़ें सेम ही है वो उस टाइम पे उस लिमिट के हिसाब से वो एक बहुत ही परफेक्ट पैकेज था और अभी जो आ रहा है वो अभी के हिसाब से परफेक्ट पैकेज है तो हालाँकि कुछ बदला नहीं है वो म्यूजिकलिटी देखिए वो म्यूजिकलिटी अभी की म्यूजिकलिटी नहीं है अभी की म्यूजिकलिटी में आप अगर पुराना एक तरह का पैटर्न सेट करेंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है यार थोड़ा सा डायरेक्टर बोलेंगे भाई थोड़ा सा ये पुराना लग रहा है तो वो यू के क्योंकि वो उनके दिमाग में वो है कि वो स्लो है तो ट्रेंड हमेशा चेंज होते जाता है ट्रेंड नहीं है ये ट्रेंड के साथ साथ स्पीड भी है ये स्पीड भी है और वो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि रॉन्ग भी है बिकॉज इट्स नॉट फेयर अच्छा एक ऐसा बेस्ट एक्टर आपके जहन में जो सबसे पहले आता है जो आपके लिए यू you नो know, डांस स्टेप्स बेस्ट कर सकता है ऋतिक रोशन गोविंदा शाहिद कपूर आई थिंक दीज गाइज आर एंड अगर हम फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा आलिया भट्ट मैंने इनके साथ काम किया है तो मैं जानता हूँ कि ये लोग कितने ऐसे यू नो दे कैच और ऊपर से दे आर सो परफेक्शनिस्ट इन दैट कि मुदसर ठीक लग रहा है क्या और एक बार ले ले क्या यू नो एंड आई फील या प्रियंका चोपड़ा दीपिका पादुकोण आई फील शी इज रियली रियली गुड या या और मैंने कभी माधुरी जी के साथ काम किया नहीं है तो बट आई नो दैट शी इज अमेजिंग बट मेरा क्वेश्चन वही था कि कि अगर अगर ऐसा मौका मिला जाए कि आपको अगर किसी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ में काम करना हो तो आप किस को चुनेंगे मैंने आमिर खान के साथ कभी काम नहीं किया है तो मुझे उनके साथ काम करना है ऑफ कोर्स बट मुझे पता है कि इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी किस तरह आपको कब क्या हो सकता है मैं पांच हजार गाने करूँ और एक भी गाना आमिर खान के साथ करने नहीं मिले ऐसा भी हो सकता है सो इट्स ऑल अबाउट नसीब कभी कभार ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक पाँच ही गाने किए हैं बट पाँचों के पाँचों देव वर्क विद अमिताभ जी आमिर खान यू नो शाहरुख खान तो इट्स ऑल अबाउट सो आप में यू नो टैलेंट तो कूट कूट के भरा है वो हम देख ही रहे हैं कि आप डांसर से कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर से सॉन्ग डायरेक्टर अब मैं जानना चाहूँगा कि आप में कुछ हिडन टैलेंट अभी बचा है जो हमारी ऑडियंस को या हमको नहीं पता है

मैं इस सवाल के लिए रेडी नहीं था तो और वो मेरा कोई वो नहीं है वो मेरा कोई प्रोफेशन नहीं आज निकल के आया है वो <laughs> अच्छा, और तो सुन लो फिर और भी तो चीजें है वो भी तो सुनो मैं स्टेट लेवल कैरम चैंपियन रह चुका हूं क्या बात है और मैं कैरम नहीं खिलाएंगे आप नहीं खिलाओ मैं बता रहा हूं आपको और मैं साउंड इंजीनियरिंग मैंने करी मैं साउंड के लिए मैंने बहुत

नो I mean. no no इट विल बी द सेम रोल बट आई वॉन्ट लर्न एवरी थिंग आई वॉन्ट टू बी i want to लर्न ऑल द थिंग्स विच आर कनेक्टेड ताकि मैंने जब इस नया नया इस is में आया मुझे लोगों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है ये कैमरा यहीं लगेगा यहाँ लगेगा तो खराब लगेगा ये तो ऐसा हो जाएगा ये तो पहले से ऐसे ही होते आ रहा है तो वो चीज़ मेरे को जमी नहीं कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता है तो मैंने उसको फिर बहुत सीखा और थैंक्स टू टू टेक्नोलॉजी क्योंकि मैं इतना साइंस लवर हूँ मैं इतना स्पेस लवर हूँ इतना टेक्नोलॉजी लवर हूँ कि मैंने सब कुछ सीखा और वो सीख सीख के सीख सीख के पैसा खर्चा कर कर के कर कर, कर कर के मैंने बोला भाई अभी तो मेरे को चाहिए ही सो वेन आई एम ऑन माई सेट आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद द डी ओ पी वेरी मच कनेक्टेड विद द लाइट गाय बिकॉज मेरे को बनना है और मुझे आगे जाना है और उसी फील्ड में आगे जाना है तो मुझे वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए सिंस यूथ आपको बहुत फॉलो करती है और आपके बहुत सारे चाहने वाले फैंस एक आपके तरफ से एक ऐसा मैसेज जो उनके लिए हो जो उनको इंस्पायर कर सके वो आई फील द बेस्ट थिंग इज बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो द फर्स्ट थिंग आई फील इज़ यू नीड टू बी रियली रियली हम्बल यू नीड टू बी ऑन योर फीट यू कैंट बी इन द एयर तुमने एक पैर उठाया ना तो दूसरा पैर कभी भी उठेगा और गिर सकते हो तुम और उसका सबसे बेस्ट तरीका है उस आदत का आने का अगर आपके अंदर वो घमंड और वो चीज़ है अगर आपको लगता है कि मैं कभी कभार थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ तो उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग सम पीपल हु क्वालिटी आ जाएगी you know? so भले आज आप हो, लेकिन अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो कल फेल हो ना ही है आप आई कम्प्लीटली अग्री एंड एडमायर और बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसके अंदर हम खेलेंगे आपके साथ कुछ गेम्स अरे बापरे और रेपिड फायर राउंड hmm. खेलते हैं एक बढ़िया सा गेम नेवर हैव आई एवर अच्छा ओके ठीक है सो आई हैव नेवर फ्री और कंडीशनर बॉटल फ्रॉम होटल यस आई हैव बट वो स्टोलन नहीं है वो मेरा रहता है क्योंकि हम होटल का पे करते हैं आई हैव नेटॉक्ट एनी वन ऑन द सोशल मीडिया नेवर स्टॉक्ड आई ऑलवेज है

ऑल लाइक एन सेज़ आप आज जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उसके पीछे सलमान खान एक रीज़न है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्या बात है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है सबसे बड़ी कड़ी है मेरी तो मैं समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में आज जो मैंने नाम किया है जो भी छोटा मोटा वो ऑल बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज ही एक्चुअली फाउंड मी बॉस के अलावा ही इज़ मोर लाइक अ फैमिली टू मी वे ही सेज़ जो वो बोलते हैं सजेशंस देते हैं उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और वो उनके बदले कोई और अगर मुझे मिला होता तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इतना कुछ सीख पाता बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सीखने के लिए पुश किया कि तू सीख यहाँ देख वो देख वो गाने देख पहले के गाने देख यू you नो know, और सारे के दूसरे पहले के गोविंदा के सॉन्ग्स देख ऋतिक रोशन के गाने देख पुराने जमाने के गाने देख तुझे सीखने मिलेगा खाली डांस डांस मत कर तो आई थिंक ही इज मोर लाइक अ गुरु टू मी ऑल्सो इज बीन ऑलवेज एंड नाउ आई नाओ आई गो टू हिम आई कोई भी उनके काम करता हूँ तो

प्रभुदेवा डिस्क्राइब देम इन वन वर्ड मैं अब नाम दूंगा आपको कुछ सलमान खान लव वाह गीता रियलिटी शोज uh... वन वर्ड बिजनेस एंड पैशन डांसिंग लाइफ वाह मिथुन दा फादर ग्रेट इफ यू वेक माई मदर सो ले यू नाव इट्स टू परफॉर्म अरे रे. हो जाए कुछ परफॉर्मेंस हाँ एक पल का जीना यार मेरे वाले गाने का, का हुक स्टेप मैं बेटर कर पाऊंगा मुझे ऐसा लगता है ऐसा है हाँ। तो हम आपके फेवरेट को पसंद कर लेते हैं हाँ जो भी मैंने दबंग से, हो हाँ। जाए हाँ। दबंग से हाँ दबंग जी? से शुरू करते हैं दबंग में मैंने गाना किया था हमका पीनी है जी तो उसके एकदम सिंपल सिग्नेचर स्टेप है आपको ऐसे प्लेन बनाना है और उसको पेट के यहाँ पे रखना है और आपको नहीं नहीं साथ में करना पड़ेगा हाँ। भाई मैं तो हाँ, बिल्कुल आप आप ले लीजिए अरे मैं आता ही नहीं डांस कोई भी कर सकता simple, है इट्स वेरी सिंपल क्या करेंगे ये ऐसे प्लेन बनाया प्लेन बनाया यहाँ पे प्लेन को लगाया प्लेन यहाँ लगाया पैर लगा। में ऐसा गैप रखो ऐसे गैप रखा और ये वन टू थ्री फोर जहाँ थ्री है वहाँ फोर आएगा ओके सो वन टू हम का पीनी है पीनी है हमका पीनी है

सलमान वो सिटिंग समवेयर ही वो सिटिंग समवेर बैंकॉक में हम लोग पहले गाना करने वाले तो वो एक्चुअली बहुत ठंडी थी मॉर्निंग में वो ऐसे पॉकेट में हाथ के बैठे हुए थे और मुझे बुलाया मुझे बोला अरे क्या है स्टेप तो मैंने बताया ये ऐसे सब स्टेप है यू नो ऑल दैट तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसा कुछ करके मेरा हाथ पॉकेट से बाहर ही ना निकले तो मेरे को लगा मजाक करे मैं बता हाँ हाँ ऐसे बोल के मैं चला गया तो इज कॉलिंग में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आईम सीरियस तो ऐसे अरे पॉकेट से हाथ बाहर क्यों नहीं निकलेगा ऐसा कुछ करना डिंगा चिका डिंगा चिका फिर मैं बाहर जाके साइड में जाके मैंने सेट किया उसको चलो तो ये पॉकेट में हाथ रखना है और ऐसे ऐसे रहना है ऐसा हाँ और उधर देखना है और ये उधर और ये पॉकेट को है ना राइट से चालू करना है ऐसा राइट से चालू करना है हाँ और फिर उसके बाद इधर आगे ये करना है उधर उस साइड में हाँ ऐसा तो वन हाँ करना पड़ेगा यार बुलाया क्यों मेरे को <laughs> फाइव सिक्स सेवन गो ढिंग चिका दिंक चिका ढिंक चिका, 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 <laughs> मुझे अब पता चल रहा है कि कितना डिफिकल्ट सिंपल है।, है।, है कर तो रहे हो से। बहुत मजा आया आपके साथ में। और बैले. जाने से पहले कुछ सरप्राइज हैं हमारे। अरे हाँ प्लीज मुझे चाहिए गिफ्ट अरे इसकी क्या जरूरत थी बट आई मीन क्यों ये गिफ्ट क्यों है ऑलरेडी आप लोगों ने बुला के इतना अरे मेरा नाम भी लिखा है यार थैंक यू थैंक यू सो मच यार मच थैंक यू यू थैंक सो मच थैंक्स लॉट ऑल द बेस्ट थैंक गॉड ब्लेस और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस के साथ में हमको और हमारी ऑडियंस को इसी तरीके से आप पैशनेटली यू नो एनकरेज करते रहें ऐसी हमारी आशा है आई विल ट्राई माय बेस्ट द फर्स्ट थिंग आई फील इज़ यू नीड टू बी रियली रियली हम्बल यू नीड टू बी ऑन योर फीट यू कैंट बी इन द एयर तुमने एक पैर उठाया ना तो दूसरा पैर कभी भी उठेगा और गिर सकते हो तुम और उसका सबसे बेस्ट तरीका है उस आदत का आने का अगर आपके अंदर वो घमंड और वो चीज़ है अगर आपको लगता है कि मैं कभी कभार थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ तो उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग सम पीपल हु आर इन द स्मॉलर फील्ड्स तो अपने आप आपको वो चीज वो क्वालिटी आ जाएगी यू नो सो दैट इज द ओनली थिंग ओनली थिंग वो नहीं है तो आप फेल हो फेल हो 100% फेल हो भले आज आप किधर हो लेकिन अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो कल फेल होना ही है आपको परफॉर्मा हुक अप स्टेप फॉर द फॉलोइंग अब मैं कुछ नाम दूंगा आपको कुछ परफॉर्मेंस हो जाए कब स्टेप हाँ बिल्कुल ओके गोइंग अगेन रोलिंग एंड एक्शन सो क्या मैं आपसे कुछ हुक स्टिक्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सो कैंसिल कैंसिल कट तो अब हम आ गए हैं एक अपने नए सेगमेंट की ओर जिसके अंदर हम खेलेंगे एक तड़काकेदार गेम गेम जिसका नाम है आई एवर सॉरी नेवर हैव आईवर कंटिन्यू फ्रॉम या जिसका नाम है वही तो बोला वापस आधे लोग चाहते हैं कि आप एग्जाम दो यही था टू <laughs> थ्री तो, हमका पीनी है हमका पीनी है, हम का पी है। <laughs> <laughs> क्या so, पिला रहे हो <laughs>